मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला पंचतत्व में विलीन हो गए। मनसा जिले के मूसा गांव स्थित उनके खेत में ही उन्हें मुखाग्नि दी गई। मूसेवाला की अंतिम यात्रा में उनके प्रशंसकों की भारी भीड़ जुटी, जो उनकी एक आखिरी झलक देखना चाहती थी। मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह और माँ चरण कौर ने अपने स्टार सिंगर बेटे को विदाई देने पहुँचे सैकड़ों प्रशंसकों का हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। पिता ने अपनी पगड़ी उतार कर फैंस को शुक्रिया कहा। मूसेवाला की शव यात्रा और अंतिम संस्कार वाली जगह पर पंजाब सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगे। उनके प्रशंसकों ने उनकी सिक्योरिटी हटाए जाने और उसकी जानकारी सार्वजनिक किए जाने के चलते सरकार के प्रति नाराज़गी जाहिर की। इससे पहले मूसेवाला की मां ने अंतिम यात्रा के लिए आखिरी बार बेटे के बाल संवारे, पिता ने पगड़ी पहनाई थी। मूसेवाला के सिर पर सहरा सजाया गया। उनकी अप्रैल महीने में ही शादी होनी थी। ताबूत में लिटाए गए बेटे को माँ पिता एकटक निहारते रहे, देखकर वहाँ मौजूद लोगों की आंखें भर आईं। मानसा के सिविल हॉस्पिटल में सोमवार को उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम किया गया था। मंगलवार सुबह उनका शव परिवार को सौंप दिया गया, जहाँ उनके अंतिम संस्कार के लिए प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मूसेवाला की अंतिम यात्रा उनके फेवरेट 5911 ट्रैक्टर पर निकाली गई। मूसेवाला ने अपने कई पंजाबी गीतों में इस ट्रैक्टर का जिक्र किया है। इसे मॉडिफाई करवाकर ही उन्होंने घर में रखा हुआ था। मूसेवाला का रविवार शाम जवाहर के में गोलियां मारकर मार दिया गया था। पोस्टमार्टम में उनके शरीर पर गोलियों के 24 निशान मिले। उनका सिर, पैर, छाती और पेट गोलियों से छलनी हो गया। मूसेवाला के बाएं फेफड़े और लीवर में भी गोली लगी थी। सिद्धू के अंतिम संस्कार की खबर लगने के बाद बड़ी संख्या में उनके फैंस मूसा गांव पहुंचने लगे थे। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से डॉक्टरों ने रात भर उनका शव अस्पताल में ही रखा और सुबह परिवार को सौंप दिया। वहीं बठिंडा रेंज के आईजी पीके यादव और बठिंडा के एसएसपी जे एलन चिजिन को मानसा के एसएसपी गौरव तूरा के साथ मानसा में ही कैंप करवा दिया गया। यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। वहीं मूसेवाला हत्याकांड की जांच अब हाईकोर्ट के सिटिंग जज करेंगे। पंजाब के गृह सचिव अनुराग वर्मा ने पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट के रजिस्ट्रार को पत्र लिख दिया है। मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने ये मांग की थी। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।